होली छोड़ो, आप इतने बड़े लेवल पर अगर सांप सीढ़ी भी खेलोगे ना तो उसमें भी दो तीन इच्छाधारी आपको मिल जाएंगे। ऑमलेट की शक्ल वाले अंडे फोड़ रहे उस लड़की पे, माँ बाप की छोड़ो देश की बेइज्जती करा रहे। और वही कोई फेमिनिस्ट टाइप निकली तो बिना गुलाल के कनपट्टी लाल कर देगी, फिर बोलना बुरा ना मानो। नमस्कार आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो बीते 7 दिन सेलिब्रेशंस के रहे, होली के बीच में खेला गया हफ्ता, भांग का हैंगओवर गया नहीं अभी तक, मतलब होली खेली गई और बड़ी गलत गलत घटनाएं सामने आई। कई जगह देखा गया कि बिना परमिशन के लोगों ने अपने दोस्तों को रंग लगा दिए, उन पर गुब्बारे फेंक दिए, किसी को जबरदस्ती नचवा दिया, किसी के बाल खराब कर दिए। मैं ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरे को नाले में क्यों फेंका? मैंने नाले में नहीं फेंका था, पानी में डाला था, और मैं तो लोगों से बचा रहा था, उसमें मोहित की टी शर्ट फट गई, मेरी क्या गलती? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। जोक्स अपार्ट, हर साल की तरह इस साल भी कई सारी वीडियोस वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि होली के मौके पर त्योहार की आड़ में कुछ लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हुई जहां देखा जा सकता है कि भाई कुछ लड़कियां हैं, कुछ फॉरेन टूरिस्ट हैं, जिन पर कुछ लड़के बदतमीजी से रंग लगा रहे हैं। एंड ऑल्दो इट वोंट मेक इट लेस पेनफुल, इनमें से कुछ वीडियोस थी जो पिछले कुछ सालों की थी, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई, लेकिन कुछ ऐसी थी जो इसी होली की थी, इसी साल की थी। एक ऐसी वीडियो वायरल हुई दिल्ली से जहां पर देखा जा सकता है कि एक 20-22 साल की जापानीज टूरिस्ट है जिसे कुछ लड़के रंग लगाने के बहाने मोलेस्ट कर रहे थे, मतलब गलत ढंग से टच करना, गलत जगह टच करना, आप समझते हुए बातें। अब जब ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इनको शेयर किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। आकृति मिश्रा ने आक्रोशित होते हुए लिखा, जब इन लोगों के घर में ऐसा होगा तब पता चलेगा, घर में माँ बेटी नहीं है क्या? प्रीति राय ने कॉमेंट किया, महिला दिवस मना रहे थे लोग। प्रिया ने लिखा, शर्म आती है ये सब देख के, इडियट्स, होली को होली कहां रहने दिया ऐसे लोगों ने। एंड सम पीपल वर आउटरेजिंग व्हेन स्विगी ऐड आस्क्ड पीपल नॉट टू यूज एग्स ऑन होली, सो क्लियरली सरकाज़म। दिव्यांगना ने लिखा, डिस्गस्टिंग एंड मोस्ट हॉरिबल बिहेवियर, आई फेल टू अंडरस्टैंड हु इवन हैज सच पुअर स्टैंडर्ड्स इन लाइफ एज टू जस्टिफाई टू डिफेंड दिस बुलशिट, शेमफुल। एक फॉरनर है एलियाना, उन्होंने लिखा, दैट्स व्हाई आई फॉर वन वुड नेवर विजिट इंडिया इवन इफ यू पेड मी टू गो। तो मतलब पूरे इंटरनेट पर खासकर लड़कियों द्वारा काफी आक्रोश देखने को मिला इसके बाद। नाउ केस स्पेसिफिक, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है इसमें ये जो लड़की है ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट है, तो भाई ये लड़के तो फिर सीधा देश बदनाम कर रहे हैं, इनकी तो रिठाला मेट्रो स्टेशन के नीचे लठमार होली खेली जानी चाहिए इनके साथ। ये देखो ऑमलेट की शक्ल वाले अंडे फोड़ रहे उस लड़की पे, माँ बाप की छोड़ो देश की बेइज्जती करा रहे, अब अरेस्ट हो गए, थाने में खेलेगी अब इनके साथ लठमार होली। एंड नाउ लुक, अगर आप इस सब में गुस्सा हो तो ये होगा, जब 1 अरब की आबादी वाला देश कोई भी त्योहार मनाता है तो कुछ अनसोशल एलिमेंट्स होंगे जो आके रंग में भंग डालेंगे। होली छोड़ो, आप इतने बड़े लेवल पर अगर सांप सीढ़ी भी खेलोगे ना तो उसमें भी दो तीन इच्छाधारी आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इन चंद इंस्टेंसेस का हवाला देकर पूरे त्योहार को ही कैंसिल कर दो, पूरे फेस्टिवल को ही अनसेफ बोल दो, सब कुछ ही कैंसिल कर दो, तो इट डजंट मेक मच सेंस। इट्स लाइक सेइंग कि रोड पर ट्रैवल करना सेफ नहीं है क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे। हालांकि कोई भी त्योहार पर ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल भी नहीं होनी चाहिए, खासकर अनजान लोगों के साथ। बुरा ना मानो होली की भी एक फाइन लाइन है, मतलब त्योहार है, कोई लाइसेंस नहीं है कि आप किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील करा दो। और वही कोई फेमिनिस्ट टाइप निकली तो बिना गुलाल के कनपट्टी लाल कर देगी, फिर बोलना बुरा ना मानो। देखो हर महिला का ना अपना एक पर्सनल स्पेस होता है जो कोई भी त्योहार के हवाले नहीं होता, होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, उसके कॉन्सेंट के बिना उसके पास नहीं जाया जा सकता। और ये जो हर साल होली पर मोलेस्टेशन की घटनाएं होती हैं, पर्सनली मुझे लगता है इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द कंट्री। बात त्योहार की नहीं है, बात मेंटेलिटी की है, क्योंकि जिसने किया है त्योहार उसके लिए बस बहाना था, वो वैसे भी कर देगा, और जो नहीं करता उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, रंग लगाए पकड़े जाओगे नहीं पकड़े जाओगे, वो नहीं करेगा। अब ये भी जो लड़के लड़की को परेशान कर रहे हैं, इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो नशे में मजे मजे में ग्रुप फन की आड़ में ये सब कर दे रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कितनी है, जो कर रहे हैं वो कितना बुरा काम है। गुड टच, बैड टच, ये चीजें लोगों को सिखाई नहीं जा रही, और जब तक आप इन चीजों को सिखाओगे नहीं चीजें सुधरेंगी नहीं। और इन चीजों के मामले में हमने सेंसिटाइज अगर करना शुरू कर दिया तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये नहीं तो कोई तो आसपास होगा जो रोकेगा। इसने टच किया उसको मौत। पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड अगली जोड़, उससे पहले गाइस मॉडर्न भिखारी, इस वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, लाइक एक बार जरूर करना है, वीडियो से बहुत हमको हेल्प मिलती है। जो हो गया चलो निकलो अभी, और सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जायदाद और मांग लिया उनसे, फोन का OTP, ATM का पिन सब मांग ले। और गाइस ये बात सबको जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए गाइस, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए इस वीडियो। सॉरी, चलो थोड़ा न्यूज की बात कर लेते हैं। एनवायरमेंट और फाइनेंस, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मेजर न्यूज हेडलाइंस हैं, बट उसके पहले कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस हफ्ते सरकार ने बताया
कि वो जो पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं उनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलेड हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पे चल रहे हैं और किसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये सरकार के एक ऐसे मंत्रालय है जो बाकी मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर निगरानी रखता है। बेसिकली कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना खर्चा कर रहा है कौन। मोहल्ले के गुप्ता जी नहीं होते जैसे, अरे मोटा भाई राम राम, कहाँ चल दिए, मॉर्निंग वॉक। सही है सही है। अरे गडकरी साहब, अरे वो रोड का काम हो गया अपना, मोटा पैसा लग रहा है उसमें। सही बोल रहा हूँ। अरे निर्मला भाभी कहाँ चल रही, राशन लेने। चलो सही, घर आइए कभी। नहीं सुष्मिता याद कर रही थी आपको, पकौड़े बना उसने। अरे राजनाथ भाई साहब, उनसे कल सोसाइटी में लड़ाई हो गई, बगल वाले मोहल्ले के लड़के उड़म मचा रहे होंगे। अगली बार फोन आया हमको सीधा आप एक फोन कीजिए बस। हाँ देख के पैर छू लेते हमारे तो। हाँ हाँ, अरे मोदी जी कहाँ चल दिए उद्घाटन करने, विदेश जा रहे हो। आपका भी बढ़िया है, सही है सही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जनवरी में एक रिपोर्ट निकाली और सरकार के लगभग 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इनमें से 150 करोड़ के ऊपर की लागत के थे और पाया कि इन 1500 में से 800 से ज्यादा यानी कि लगभग आधे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलेड हैं यानी कि देरी से चल रहे हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स देखे गए और पाया कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट के सबसे ज्यादा लगभग 460 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलेड हैं। उसके बाद है रेलवे जिनके 117 प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं। खैर उनकी तो ट्रेन डिले होती है, प्रोजेक्ट्स तो होंगे। और तीसरे नंबर पे है पेट्रोलियम इंडस्ट्री जिसके 90 प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं। ज्यादातर मिनिस्ट्रीज ने बताया कि डेवलपमेंट वर्क में देरी की सबसे ज्यादा वजह है सैंक्शन बजट से ज्यादा खर्चा, यानी कि जो बजट सैंक्शन हुआ था अब पता चल रहा है कि उससे ज्यादा खर्चा आ रहा है। और सरकारी कामों में अमूमन ऐसा होता है, पहले भाई बजट आता है, फिर मंत्री जी के घर थोड़ा आशीर्वाद दिया जाता है, फिर बाबू के घर पे फाइल गरम होती है, फिर ठेकेदार का खर्चा पानी, भाई सरकारी काम ऐसे ही होता है। और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है जो अब मानोगे नहीं लगभग 20-25 साल डिलेड चल रहे हैं। मतलब जब बेटा हुआ था तब रोड डल रही थी, अब बेटे का बेटा हो गया अब भी रोड डल रही है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम उड़ीसा जहां जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 3 जिले देवगढ़, क्योंझार और मयूरभंज में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं जो कि देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड आप जानते हो एक ऐसा पीरियोडिक टेबल में मेटल है जिसको हम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो इतना वैल्यूएबल होता है। और खासकर इंडिया में जहां पर गोल्ड का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है, ये तो आप भी जानते हैं। जैसे लड़का हीरा है वैसे सोना सोना है। और हमारे देश में गोल्ड का डिमांड और सप्लाई ग्राफ तो भाई अलग ही लेवल पर चलता है। आप मानोगे नहीं देश में हर साल जो गोल्ड की खपत है वो है 750 टन और जो प्रोडक्शन है वो है 1.5 टन। और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में खासकर साउथ इंडिया में अभी बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स हैं जो माइन किए जाना बाकी हैं। मतलब सरकार के पास पैसा ही पैसा हो गया। अगली न्यूज है एनवायरमेंट को लेकर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि बीते वर्ष यानी कि 2022 में इंसानों ने वातावरण में सबसे ज्यादा CO2 एमिट किया है, यानी कि पिछले साल जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने एनवायरमेंट में रिलीज किया है उतना पहले कभी नहीं किया था। 2022 में इंसानों ने 36 गीगाटन CO2 पर्यावरण में छोड़ा। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि 1 गीगाटन लगभग 1000 एयरक्राफ्ट बराबर होता है और इसका ही आप गुणा कर दो 36 से, तो इतना CO2 है जो हमने पर्यावरण में छोड़ दिया है सिर्फ एक साल में। अब सोचो पिछले 100 सालों में क्या भसड़ मचाई होगी। 2022 में CO2 इमिशंस में बढ़ोतरी के बेसिकली दो कारण हैं। एक तो ये कि पेंडेमिक और लॉकडाउन के बाद एयर ट्रैवल दोबारा से शुरू हो गया तो एविएशन इंडस्ट्री ने काफी तेल फूका, और दूसरा ये कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो नेचुरल गैस है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगा बिक रहा था, इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं खासकर जो एशिया रीजन की कंट्री हैं उन्होंने उसके सस्ते अल्टरनेटिव यानी कि कोल पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी और कोयले से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा किया क्योंकि सस्ता है, किफायती पड़ता है। अब आप पूछोगे कि इस न्यूज से मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। देखो हम शो में कई बार बोल चुके हैं कि धर्म, जात, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, इन सब से जो न्यूज आती है सुनने में मजा बहुत आता है हम लोगों को, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड। भले ही आपको लगता हो कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिससे इंडिविजुअल लेवल पर आपको कोई असर ना पड़ता हो, बट हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा असर आपको ही पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा और मौसम बदलेगा तो आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आप पहाड़ों पर रह रहे हो तो भूस्खलन ज्यादा होंगे, अगर आप कोस्टल रीजन पर रह रहे हो तो सी लेवल राइज करेगा, अगर आप सेंट्रल इंडिया में रह रहे हो तो हीट वेव्स का शिकार होगे, हर जगह आपको क्लाइमेट चेंज असर करेगा। इसलिए अगर कहीं रहना है तो किसी के दिल में रहो। कितना चेप हूं यार। इंटरनेशनली एक न्यूज है, बीते हफ्ते हम सब ने मनाया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हंस क्यों रहे हो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान, वो देश जिसको अब तालिबान रूल कर रहा है, उसको एज अ मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री फॉर वुमेन का दर्जा दिया है, यानी कि एक ऐसा देश है जो अपनी महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं देता, अगर आप महिला हो
तो ये सबसे खराब देश है आपके रहने के लिए। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत भी खुद अफगानिस्तान ने ही दिया है, जब यहाँ की हुकूमत ने कुछ ही टाइम पहले एक ऐसा लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने डाइवोर्सेस को इनवैलिडेट कर दिया है। यानी कि अब वहां की हजारों महिलाएं जो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से परेशान होकर कैसे भी करके उन्होंने तलाक लिया था, खुला लिया था, अब उनको वापस जाना पड़ेगा उन लोगों के पास। एंड मेक नो मिस्टेक, ये हुकूमत अपने महिलाओं को शिक्षा नहीं देती, अधिकार नहीं देती, न्याय नहीं देती, प्रताड़ित करती है। और ये सब सुनने के बाद भी अगर आप इंस्टाग्राम कॉमेंट सेक्शन में डिफेंड करते बोलोगे कि दिस इज देयर कल्चर, तो माजिद भाई गाली सुनोगे आप फिर। तो आखिरी न्यूज है फाइनेंस सेक्टर से, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते एक गैजेटेड नोटिफिकेशन में बताया कि वो अब क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस लगाएंगे। मतलब कि आपकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर आपके अकाउंट में कुछ गतिविधियां उल्टी सीधी लगी तो सरकार उसकी जानकारी ले सकती है। अब देखो, क्रिप्टो ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसलिए सरकार को इसको रेगुलेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम छोड़ो, सरकार आधे टाइम तो कंफ्यूज्ड ही रही है कि लीगल करना है नहीं लीगल करना है, लीगल करना है तो टैक्स कितना लगाना है, रेगुलेट करना है कैसे रेगुलेट करना है, बहुत कंफ्यूजन रहा है। अगर आप क्रिप्टो में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये वाला वीडियो हमने क्रिप्टो पे बनाया था बेसिक एबीसीडी टर्म्स में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक चेन ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाय, मैं तो थक गया। अच्छा, क्या आपने कभी अपने स्पर्म डोनेट किया है? अश्लील है ये लोंडा। आपने विकी डोनर मूवी से स्पर्म डोनेशन के बारे में जान लिया होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा केस हुआ है जहां व्यक्ति ने स्पर्म डोनेट करके लोगों की नींद उड़ा दी है। बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। ये पकड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से गया। जब एक गेट टुगेदर हुआ उन कपल्स का जो स्पर्म डोनेशन से पेरेंट्स बने थे, और उन्होंने इस पार्टी में देखा कि किसी का भी बच्चा हो, ए बी सी एक्स वाई जेड सब सेम सेम दिख रहे हैं। फिर जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला उनके साथ एक स्पर्म स्कैम हुआ है, जहां एक व्यक्ति ने 4 अलग अलग आइडेंटिटीज बनाकर उसमें भी अलग अलग क्लिनिक्स को जाकर अपना स्पर्म डोनेट किया, और इन कपल्स के साथ ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों हो गई इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। देखो, इन दिनों चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट सीरीज, जिसका एक टेस्ट हुआ गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, विच वॉज अटेंडेड बाय नरेंद्र मोदी एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी अल्बनीज। मतलब टेस्ट मैच चल रहा था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आला कमान अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहे थे। इसी में एक फोटो वायरल हुई जहां जय शाह नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही गिफ्ट कर रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस पर कई लोग, इंक्लूडिंग कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने बोला कि भाई ये पीक ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन है कि आप खुद अपनी फोटो अपने ही स्टेडियम में अपने ही स्टेट में रिसीव कर रहे हो, इतना अपनापन, अपनापन का आपने मतलब ही बदल दिया। इस पर कई लोगों ने मीम शेयर किए। सागर गासम ने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी वॉचिंग द मैच एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैं बस इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि वाह मोदी जी वाह। ऑस्ट्रेलिया के एक लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि उसने सिर्फ 24 घंटों के अंदर 8,000 पुलअप्स मार लिए। पुलअप्स समझ रहे ना, ऐसे जो लगता कमर लचक गई। 8,000, हम में से कई लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में इतने पुलअप नहीं किए जितने इसने सिर्फ 24 घंटों के अंदर कर दिए। मतलब 8,000 पुलअप, तुम सोचो भाई। हाँ, ये करवा लो मुझसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बाप अपने बेटे और बहू के व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा कि भाई वो लोग उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, या उन्होंने बागबान देखी होगी, उसका साइड इफेक्ट भी सेम है। तो इस बाप ने बोला कि आओ बताते हैं कि बाप कौन है, और अपनी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी स्टेट के गवर्नर के नाम कर दी, बेटे बहू को नहीं दी। पैसा बर्बाद बहन। बताओ, 1.5 करोड़ की जायदाद थी और ये लोग ख्याल नहीं रख रहे थे, कितने निर्दयी और बेवकूफ लोग हैं। मुंबई के मलाड एरिया में एक महिला को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपने घर से अपने ही पति से 8,00,000 रुपए चोरी कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए। अब जब ये पकड़ी गई तो पतिदेव कंफ्यूज्ड है कि चोरी का इल्जाम लगाऊं या चीटिंग का। बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। अगली मजेदार न्यूज आई मध्य प्रदेश से, जहां पर एक व्यक्ति की बीवी उसको छोड़कर मायके चली गई, तो वो उसके मायके गया और फुल शोले माफिक एक पानी की टंकी पर चढ़ गया और बोला कि बसंती, अगर तुम घर आती हो तो आओ, वरना मैं यहीं से कूद जाऊंगा। एक तो मुझे शादीशुदा आदमी लोग क्लियर कर दो आज कि तुम लोग चाहते क्या हो। बीवी बेचारी करे क्या, वो मायके ना जाए तो दिक्कत, ससुराल ना जाए तो दिक्कत, क्या मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए। दो पॉजिटिव न्यूज आई है इस हफ्ते, दोनों बताता हूं। उसके पहले लाइक सब्सक्राइब करते चले, लाइक सब्सक्राइब करते चले। पहली खबर है हमारी आर्म फोर्सेस से, स्पेसिफिकली एयरफोर्स से, जहां ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी देश की पहली महिला बनेंगी जो एक कॉम्बेट यूनिट को कमांड करेंगी। ऐसी एक खबर है पॉलिटिक्स से,
जहां आपको पता होगा कि बीते हफ्ते नागालैंड में असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए थे और इस हफ्ते एस क्रूसे नागालैंड की हिस्ट्री की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। 1963 के आसपास नागालैंड एस्टैब्लिश हुआ था और लगभग 60 साल की हिस्ट्री के बाद नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां अब जाके उनको एक महिला मंत्री मिल रही है। मेजरली इसका रीज़न ये है कि नागालैंड की जो सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो इतना पसंद नहीं करते कि कोई महिला उनको रिप्रेजेंट करे। और ये सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का ही है, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जहां लड़कियां अभी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही हों। भले ही हमारे घर में हमारी प्लेट से उठा के मैगी खा जाती हूँ चुड़ैल, बट अब देश के कई सारे मेजर सेक्टर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्या बोलती पब्लिक? एक मोमेंट के लिए लगा मैच एंथनी एंड मोदी जी के बीच खेला जाएगा। अगर मोदी जी आ रहे हैं तो बिलबोर्ड पे तो उन्हीं का नाम होगा, वो तो उनका बस नहीं चला, वरना मैन ऑफ द मैच भी मोदी जी को ही देते वो। द गुड बैड एंड द अगली मॉम व्हेन यू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन होली, चप्पल मार के। देखो, होली का कपड़ा अगर अगले दिन पोछा नहीं बना तो तुमने होली नहीं खेली। शुभमन गिल भी अच्छा नहीं खेला, पर आज बाहर तू ही रहेगा क्योंकि तेरा नाम राहुल है। मुझे क्यों तोड़ा? जेंडर इक्वालिटी मेंटेन्ड बाय आरसीबी, वुमेन्स आईपीएल में भी आरसीबी लास्ट, दिस फ्रेंचाइजी इज कर्स्ड, द कर्स विल बी लिफ्टेड। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आरसीबी की जो कैप्टन है स्मृति मंदाना, वो अपनी टीम के साथ लगातार पहले 4 वुमेन्स आईपीएल के मैच हार गई हैं। तो लोग सोच रहे हैं चल क्या रहा है। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना विश्वास नहीं रखता, लेकिन आरसीबी को देख के लगता है कि ग्रह दशा खराब है इनके। एवरेज डेलीआइट कॉन्वर्सेशन, भाई ये देख इतना पॉल्यूशन है, लगा यूएफओ देख लिया, लेकिन मैं जो पानी की टंकी थी। अच्छा, दिल्ली में ना एक एनएसपी का टावर है जो ऊपर से रेड सब ब्लिंक करता है, हाइट काफी लंबी उसकी और आसपास की एरिया से दिखता है, तो हम लोग जब वहां आसपास रहते थे तो देख के मेजर करते थे कि आज दिख रहा है मतलब पॉल्यूशन कम है, आज नहीं दिख रहा है मतलब नॉर्मल डे। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की अगर आप न्यूज, हेडलाइंस, कॉन्ट्रोवर्सीज जानना चाहें तो पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।